हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि शराब से ज्यादा जहरीली शराब जो बनता है और गांजा जो बाहर से हमें नेपाल से आता है और जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं और होम डिलीवरी के कारण गलत लोग जेल में बंद हैं और लगातार आक्रोश होना, शराब का मिलता रहना और रेवेन्यू बाहर जाना और अपराधी माफिया और नेताओं के घर में शराब के पैसे जाने, तो इनसे मिडिल क्लास और गरीबों के बीच में आक्रोश कि एक तरफ चांदी एक तरफ दबाव, तो मैं समझता हूं कि शराब की पॉलिसी पर एक बार पुनर्विचार हो, रेवेन्यू इसकी 70-80% बढ़ा दी जाए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, तो वहीं तारी को लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। बता दें आपको कि रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, इसको लेकर तमाम बातें कही है पप्पू यादव ने। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे हैं, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। पप्पू यादव का यह साफ कहना है कि माफिया लगातार जो है पैसा बनाने में लगे हैं, तो वहीं सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसको देखते हुए सरकार को जो गांजा की बिजनेस कर रहे हैं, जो शराब की बिजनेस कर रहे हैं, बिहार में अवैध रूप से शराब सप्लाई कर रहे हैं, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो सुने आप लोग। तो शराब की पॉलिसी में भी हमको समाज सुधार, हमारी गवर्नमेंट की नीतीश कुमार जी का बिल्कुल, वह समाज में सुधार की जो उनकी फीलिंग है वो उसको हम कंप्लीट मजबूती से तवज्जो देते हैं। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि शराब से ज्यादा जहरीली शराब जो बनता है और गांजा जो बाहर से हमें नेपाल से आता है और जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं और होम डिलीवरी के कारण गलत लोग जेल में बंद हैं और लगातार आक्रोश होना, शराब का मिलता रहना और रेवेन्यू बाहर जाना और अपराधी माफिया और नेताओं के घर में शराब के पैसे जाने, तो इनसे मिडिल क्लास और गरीबों के बीच में आक्रोश कि एक तरफ चांदी एक तरफ दबाव, तो मैं समझता हूं कि शराब की पॉलिसी पर एक बार पुनर्विचार हो, रेवेन्यू इसकी 70-80% बढ़ा दी जाए, पंचायत और प्रखंड स्तर को पंचायत को छोड़ दिया जाए, प्रखंड पर एक और जिला के बड़े होटलों में 3-4-5 को चयन करके, ताकि रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास हो और माफियाओं के कारण इसका बेनिफिट आम आदमी प्रभावित ना हो। शराब की पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है, पासी समाज के अधिकार के लिए तारी पॉलिसी भी चेंज होना इम्पोर्टेंट है। बालू जिससे लगभग बिहार के 13 करोड़ में 1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन सब कारणों से, जमीन शराब बालू माफिया, इन सब कारणों से अपराध और चीज़ों का गरीब ग्राफ बढ़ा है, जिस पर सरकार को कड़े कठोर कदम उठाने चाहिए और अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस घटना को 48 घंटे के पहले कांग्रेस के लीडर मस्कूर साहब और हमारे लीडरों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, तो सामूहिक तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग संघर्ष के लिए बाध होंगे और फिर हमारी आवाज़ दब नहीं पाएगी। इसीलिए इस मर्डर की घटना को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से ली है और इस पर हम लोग अस्थिर नहीं है, चैन से नहीं बैठे। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल खड़ा कर दिया, उन्होंने पुनर्विचार करने की मांग करी है। तो वहीं उनका साफ कहना है कि लगातार खनन करवाया जा रहा है, बालू माफिया जो है अवैध तरीके से खनन करवा रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई मांग कर दी है पप्पू यादव ने। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव आपने सुना है। तो और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।